तो जब मजबूरी में है तो कहते हैं यार आलू आ जाए वाघा बॉर्डर से ये आ जाए वाघा वाघा बॉर्डर बॉर्डर से से ये आ जाए वागा से, और हमें पैसे ना देने पड़े क्यों कह रहा हूं पैसे ना देने पड़े क्योंकि इन भाइयों ने दवाइयों के भी पैसे नहीं दिए जो इंडिया से लिए थे अब आपको आई बात समझ में ये क्यों क्रिकेट के पीछे इतना बवाल कर रहे हैं कि इंडिया नहीं आ रही तो हम भी नहीं जाएंगे ये नखरे क्यों दिखा रहे हैं भाई अगर आपको इंडिया से रिश्ते चाहिए तो फिर आप पूरे रिश्ते करिए ना वाई पिक एंड चूज भैया वाई पिक एंड चूज आप क्यों पिक एंड चूज करते हैं आप ये क्यों कहते हैं हम ये करेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे फिर ये करेंगे ये नहीं करेंगे अब इंडिया कह रहा है हम कुछ नहीं करेंगे तो ये छातियां पीट रहे हैं अच्छा दूसरी खबर यह कि साहब खालिस्तानियों ने फिर मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया खालिस्तानी फिर क्या कह रहे हैं कि मेजर साहब तो सिखों के दुश्मन हैं और हम तुम्हें दिखा देंगे सुनो खालिस्तानियों मैं तुम्हारे सामने आज एक क्लियर कट बात करना चाहता हूं और यह बात मैं क्लियर कट करता रहूंगा जब तक पूरी दुनिया में मेरी आवाज ना फैले ध्यान से सुनना मेरी बात सिख धर्म सिखों के गुरु जो कि हमारे भी गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब सारे गुरुद्वारा साहिब और जो भी सिखों के बड़े बड़े हिस्टोरिक लोग हुए हैं वो इधर हमारे सर पे, ठीक है हम ये उनकी इज्जत देते हैं हमारे सर पे, जैसे प्रभु श्री राम वैसे गुरु नानक देव जी ठीक है ये मैंने बात बता दी जैसे रामायण वैसे गुरु ग्रंथ साहिब ठीक है जो सिख हैं हमारे भाई और हमारे बहन सिख भाई बहन उनकी जगह यहां पे है मेजर के दिल पे लेकिन खालिस्तानियों तुम सिख नहीं हो तुम इंसानियत पे एक बदनुमा दाग हो तुम्हारी जगह खालिस्तानियों है मेजर की जुत्ती के नीचे ये तुम्हारी औकात है अब क्लियर हो गया कि और भी प्रोपागेंडा करना है खालिस्तानियों की औकात मेजर गौरव आर्या की जूती के नीचे है और वहीं पर तुम रहना ठीक है झूठ बोल के अपने वतन के साथ गद्दारी करके पॉलिटिशियन से झूठी चिट्ठी लिखवा के कि हमारे ऊपर बिल्कुल पॉलिटिकल तशद हो रही है हमारे ऊपर जिसको कहते हैं हम हैं हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं चैलेंज करता हूं किसी खालिस्तानी को पॉलिटिकल एक्टिविज्म की स्पेलिंग आती हो अंगूठा टेक है सब पांचवी फेल इनको कुछ नहीं आता ये अनपढ़ थे ठीक है कनाडा का शौक था वहां पे झूठ बोल के अपने देश के साथ गद्दारी करके ये खालिस्तानी चले गए ठीक है ये खालिस्तानी अपने देश के साथ वो आया नहीं था वीडियो सिमरनजीत सिंह मान जी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने वीडियो में साफ बोला है कि मैंने पैंतीस पैंतीस हजार चालीस हजार रुपए लिए हैं और मैंने लिखा है कि जी इसके ऊपर यू नो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी इसके ऊपर अन्याय कर रही है स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर अन्याय कर रही है यह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और वो खालिस्तानी ने पैंतीस रुपए दिए पॉलिटिकल एक्टिविज्म का वो पर्चा भी ले लिया और इसको स्पेलिंग नहीं आती पॉलिटिकल एक्टिविज्म की अंगूठा टेक पता ही नहीं क्या चल रहा है पहुंच गए वहां पर खालिस्तानियों तुम्हारा सिखी से तुम्हारा सिख धर्म से तुम्हारा गुरुओं से तुम्हारा गुरु ग्रंथ साहब से और सिख भाई बहनों से कोई रिश्ता नहीं है खालिस्तानियों तुम्हारा कोई तुम्हारा इंसानियत से कोई रिश्ता नहीं है तुम इतने बुरे लोग हो ठीक है जो अपने वतन को बेचकर वतन का नाम खराब करके झूठा 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 नाम खराब करके सिर्फ वहां पे के कनाडा में जाके मैं टैक्सी चला लूं अगर ये तुम्हारी औकात है मैं सारे टैक्सी वालों को नहीं बोल रहा मैं आपके काम की इज्जत करता हूं मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं अगर यह तुम्हारी औकात है तो तुम्हें तुम्हारी औकात मुबारक एक और चीज तुम रोज मुझे गाली देते हो ठीक है ट्विटर पर मुझे दो रुपए का फर्क नहीं पड़ता लेकिन पता है मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा तुम मुझे जितनी गाली दो मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा खालिस्तानियों मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा मैं खालिस्तान को गाली बना के रख दूंगा तुम देखना मैं खालिस्तान को गाली बना के रख दूंगा जब लोग एक दूसरे को सारी गालियां दे चुके होंगे ना तो लड़ाई पता है कब शुरू होगी जब एक बंदा दूसरे को बोलेगा खालिस्तानी तब वो बोलेगा गाली मत दे भाई देख गाली मत दे अभी तक तो ठीक था तूने और जो कुछ बोला था गाली मत दे मैं उस लेवल की खालिस्तान को गाली बना दूंगा समझ रहे हो देखते रहना अच्छा जिस मोदी को तुम गालियां देते हो गालियों से याद आया भाई जिस मोदी को तुम गालियां देते हो उसके बारे में खबर सुन लो तुम्हारा भी खून जलेगा और तुम्हारे आप पारा में आईएसआई का हेडक्वार्टर है ना आप पारा जहां पे तुम्हारे बाप बैठे हैं नाजायज़ उनको भी पता लगे मोदी टॉप्स लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर विथ सेवेंटी सिक्स परसेंट रेटिंग ये ग्लोबल रेटिंग है ठीक है और ये जो रेटिंग है ये कहते हैं इज द मोस्ट लव्ड एंड एडमायर्ड लीडर ग्लोबल लीडर अप्रूवल ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल आया मॉर्निंग कंसल्ट मॉर्निंग कंसल्ट एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हर समय ये रैंकिंग देती है बड़ी क्रेडिबल है ये वही आ, आ, यूएस की रेटिंग है खालिस्तानियों जिसके लिए तुमने झूठे कागज बनवाए थे पैंतीस हजार वाले ठीक है पैंतीस हजार के कागज बनवाए थे ना कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं ये उसी यूएस की रेटिंग है ठीक है बेटा तो इसको भी झेलो जरा जिस मोदी से तुम नफरत करते हो सेवेंटी सिक्स परसेंट नंबर वन सेवेंटी सिक्स परसेंट पूरी दुनिया में लोपेस ओब्राडोर सिक्सटी वन परसेंट एलबनीस फिफ्टी फाइव मेलोनी फोर्टी नाइन लूला डिसी नाइन बाइडन अमरीका अमरीका का बाइडन फोर्टी वन परसेंट ट्रूडू फ्रांस का थर्टी नाइन परसेंट सांची एट शोल्स थर्टी फाइव सुनाक यूके दा मुंडा सुनाक थर्टी फोर परसेंट मैक्रॉन ट्वेंटी टू तो ये साहब यह मॉर्निंग कंसल्ट का है खालिस्तानियों मजा आया तुम्हें तो और तुम्हारे पाकिस्तानी जो बाप हैं, उनको मजा आया और दो गाली 2024 में मोदी जीतेगा फिर और देना गाली फिर अपने बच्चों को भी यही बोलना ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो भारत वैसे ही तरक्की करता रहेगा और तुम जैसे गद्दारों को ठीक है आर नॉट वेलकम इन इंडिया तुम वहीं पे जाके सड़ो और हमारे एम्बेसीज और हाई कमीशन के सामने ताली पीटो ठीक है ना तुम्हारी यही औकात है आखिरी में फिर एक बात कहना चाहता हूं जो हमारे हिंदू भाई बहन है ये जो खालिस्तानी है ये कीड़े मकौड़े जो खालिस्तानी है ये हिंदुओं और सिखों में भेदभाव करते हैं ठीक है ये भड़का रहे हैं और ये जानबूझ के मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि इनकी औकात ही यही है इनकी औकात ही यही है इनका आपने नमूना देख लिया अमृतपाल सिंह कुत्ते के जैसे दुम दबा के भाग रहा है कभी यहां छुपता है कभी यहां छुपता है यह है खालिस्तानियों का नमूना कि जब बाहर है पे, पे तब इनकी आवाजें देखो तब इनके सुर देखो खालिस्तानियों के ओहो मुर्दाबाद ओहो हाय हाय ओहो मोदी फलाना हाय मोदी और जैसे इंडिया में आए भीगी बिल्ली की तरह कभी इस बिल के अंदर छुप रहे हैं कभी उस बिल के अंदर छुप रहे ये तुम्हारी औकात है अमृतपाल सिंह बाप है तुम्हारा अमृतपाल सिंह और तुम्हारा बाप ऐसा घूम रहा है जानवर घूमता है, like है? मैंने गलत बोल दिया जानवर। जानवर से भी तुम लोग। ठीक है जी? रिक्वायरमेंट आपने मजहब को पॉलिटिसाइज कर दिया आपने इस्लाम को पॉलिटिसाइज कर दिया और हर जगह आप पॉलिटिक्स का फायदा ढूंढते हैं हर जगह ये हो जाए इसमें फायदा मिल जाए इस्लाम का ऐसे फायदा मिल जाए हमें तो हम ये हमें अरे भाई अगर कुछ करना है अगर कुछ करना है मुसलमानों के लिए तो कुछ पॉजिटिव करो यार कुछ पॉजिटिव करो इतने ज्यादा भारत में जब ऑयल का पैसा आया ठीक है तो भारत में बाहर से मतलब अरब कंट्रीज की बात करो जब वहां पे ऑयल का पैसा आया तो भारत में इन्होंने बोला कि नहीं साहब हम मदरसे बनाएंगे हम मस्जिद बनाएंगे इसके पीछे एक एजेंडा था आपने यह क्यों नहीं बोला कि हम मुसलमानों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाएंगे आपने यह क्यों नहीं बोला कि मुसलमानों के लिए हम एक मेडिकल स्कूल बनाएंगे शानदार वर्ल्ड लेवल 200-500 एकड़ के कैंपस में ऐसा होगा कि बिल्कुल दुनिया देखती रह जाएगी हां अपने लिए ऑडी और मर्सिडीज के ऊपर सोने की परत चढ़ा के उस पर सफर करना मंजूर है अपने लिए कमोड जो होता है टॉयलेट वाला वो हीरो से जड़ा है और बाकियों के लिए सिर्फ जबानी जमा खर्ची बस मुंह से बोला हो गया काम तो ये काम कर रहे हैं इनको मैं एक बात बोलना चाहता हूं देखो यार भारत के मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है आपको भारत के मामले में आप मत बोलना और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अच्छा जवाब दिया मैं जवाब भी आपको पढ़ के सुना देता हूं रिस्पॉन्डिंग टू द स्टेटमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन

दो मिनट और लेके एक बात समझाना चाहता हूं इसके पीछे माइंडसेट क्या है जब भी भी कुछ ऐसी चीज होगी पाकिस्तान को उसको दुनिया के सामने झूठा मोटा उजागर करना पाकिस्तान की मजबूरी है और दोस्तों मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा ध्यान दें और समझें कि पाकिस्तान की मजबूरी क्यों है उसका कारण क्या है कि पाकिस्तान की मजबूरी है पाकिस्तान बना था टू नेशन थ्योरी के बेस पर यानी कि दो कौमी नजरिया पाकिस्तान जैसे अगर हम बात कर ले मोहम्मद अली जिन्ना की ठीक है या जो भी इनिशियल लीडरशिप थी इनकी तो इन्होंने एक बात बोली थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा फलाना होगा ढिमका होगा इसलिए पाकिस्तान अलग हो जाना चाहिए एक अलग मुल्क हमें चाहिए फिर अंग्रेजों के साथ साठ थी तो एक अलग मुल्क बन गया तो ये आपस में झूठ बोलते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी कुछ नहीं अंग्रेजों ने बना के दिया तुम्हें तुम्हारा तो बस का भी नहीं था खेरे नहीं है उस बात को छोड़ देते हैं अब जब भी भारत में कुछ होगा तो पाकिस्तान को खुजली होती है अब आप बोलेंगे साहब तुम्हारा अलग मुल्क हो गया तुम्हें भारत में क्या हो रहा है तुम्हें उससे क्या लेना देना और वो भी तुम नाइन्टी परसेंट तो झूठ बोलते हो तुम्हें क्या लेना देना बात यह है कि अगर पाकिस्तानी एक दिन इनमें बुद्धि आ गई और उन्होंने मान लिया कि भारत का मुसलमान इतना सक्षम है कि जो अपनी परेशानियां हैं वो संविधान के दायरे में खुद दूर कर सकता है अपने हक हाँ के लिए लड़ सकता है तो टू नेशन थ्योरी जो है जिस पर पाकिस्तान बना था वो झूठ साबित हो जाएगी फिर दुनिया बोलेगी बेवकूफो तुमने पाकिस्तान बनाया क्यों तुमने तो बोला था साथ में रह ही नहीं सकते साथ में रह ही नहीं सकते इसलिए तो तुमने पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान की एक मजबूरी है अपने आप को अपना वजूद अपना एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान को यह बोलना जरूरी है इसलिए पाकिस्तान यह करता रहता है यह खुजली पाकिस्तान को होती रहती है होती रहे उन्होंने बोला हम कंडेम करते हैं हमने बोला हम कंडेम करते हैं आगे बढ़ो अगले न्यूज आइटम पे ये खत्म हो गया जाओ ऐश करो और हिंदुस्तान का मुसलमान इतना सक्षम है कि अगर उसके हक कोई छीनता है तो हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में वो लड़ेगा और लड़के जीत भी जाएगा अगर उसको हक मिलना होगा उसको हक जरूर मिलेगा इसमें बाहर के इस्लामी देशों की दखलअंदाजी की आवश्यकता नहीं है जय हिंद चाइना ने अच्छा चाइना को एक बेटे को खुजली हो तो ऐसा नहीं बाप को खुजली ना हो बाप को भी तो खुजली होगी तो चीन ने पाकिस्तान के अनेकों बापे एक तो आपके सामने बैठा है यहां पर मेजर ठीक है दूसरा उसका बाप है छोटा बाप बड़े अबू मैं हूं छोटा अबू उसका चाइना है ठीक है छोटे अबू ने क्या करा अरुणाचल में ग्यारह जगह हैं जिनको बोल दिया कि उनके चाइनीज नाम दे दिया राइट चाइनीज नाम दे दिया क्योंकि चाइना क्लेम करता है अरुणाचल उसको कहता है साउथ टिबेट तो चाइना ने बोला साहब यह अरुणाचल की जो जगह है इसको हम चीनी नाम दे देंगे तो भारत ने बोला भारत का बड़ा प्यारा एक बयान आया है भारत ने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश इज एन ऑलवेज बीन एंड ऑलवेज विल बी एन इंटेग्रल एंड इन एलियनेबल पार्ट ऑफ इंडिया टू असाइन इन्वेंटेड नेम्स विल नॉट ऑल्टर दिस रियालिटी ठीक है जी तो पांच माउंटेन पीक दो लैंड एरिया दो रेजिडेंशियल एरिया दो नदी इनमें सब में अपने अपने इन्होंने नाम चीनियों ने डाल दिए हैं अच्छा ये चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलता है ऐसे यही चीज पाकिस्तानियों ने भी करी थी तो ऐसा नहीं है कि बेटा अब्बू से सीखता है अब्बू भी बेटे से सीख रहा है पाकिस्तान ने भी कोशिश करी थी ना श्रीनगर हाईवे वो इस्लामाबाद वाली जो रोड थी जिसका नाम ही श्रीनगर हाईवे कर दिया क्योंकि तीन सौ सत्तर पैंतीस से हटाने के बाद और तो किसी चीज की हिम्मत थी नहीं पाकिस्तान की उनकी फौज तो अपने खुद के प्लॉट घेर रही थी तो पाकिस्तान ने क्या करा चलो पाकिस्तान की इस सड़क का नाम हम श्रीनगर हाईवे रख देंगे इसका नाम हम कश्मीर हाईवे रख देंगे इसका नाम हम दिल्ली रख देंगे इसका नाम हम तमिलनाडु रख देंगे इसका नाम केरल रख देंगे इसका नाम हम हम मणिपुर रख देंगे इसका नाम राजस्थान पंजाब रख देंगे कुछ कुछ अपने दिमाग से ठीक है नशेड़ी तो है ही है अपने दिमाग से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो चीन ने भी वही चीज पकड़ ली अब चीन ने वो चीज पकड़ ली तो चीन ने बोला भारत ने बोला औकात में रहो ये सब फिक्शनल नाम जो मनगणन तुम नाम कर रहे हो उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता तो बोल दिया भारत ने चीन को कि अपनी औकात में रहो ठीक है ये दखल अंदाजी करने का प्रोग्राम आप देख रहे हैं एक तरफ से चीन एक तरफ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और इस्लामिक कोऑपरेशन है ना पाकिस्तान पैर पकड़ गया होगा पाकिस्तान वहां पे पाकिस्तानी के सामने नहीं अब नहीं हम तुम्हें अपना तीसरा अबू मान लेंगे एक तो मेजर गौरव आर्या है दूसरा चाइना है हम तुम्हें अपना तीसरा अबू मान लेंगे प्लीज एक बार कुछ कह दो एक ये करा होगा पाकिस्तानियों ने क्योंकि पैसे वैसे है नहीं इनके पास फुक रहे हैं ये ये पैर पकड़ लेते हैं पाकिस्तानी जहां पे जाते हैं पैर ऐसे पकड़ लेंगे फिर आदमी शर्मोशर्मी में कुछ कर देता है तो यही पाकिस्तान ने करा होगा मुझे पूरा शक है पाकिस्तान के करेक्ट अमेरिका ने क्या करा दोस्तों कि अमेरिका ने इतनी लड़ाई हुई उसकी मतलब इतनी तूतू मै में हुई ये सिर्फ जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू एफ के पहलवान होते हैं ना असल में नहीं मारते पैर पटकते अमरीका और रशिया की ऐसे लड़ाई चल रही है और अमरीका ने आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अमरीका रूस से लड़ रही क्योंकि उसको पता है अमरीका की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो नॉर्थ कोरिया के इतना सा है नॉर्थ कोरिया पर क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई बकवास दुनिया भर की करवा लो अमरीका से इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े ये सिर्फ जो कमजोर मुल्क है ना जिनका फायदा या पाकिस्तान है कमजोर मुल्क पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है लेकिन वो किसी काम का नहीं है ठीक है तो अमेरिका को अमेरिका क्या करता है कि दबती नस जिसकी होती है ना जिसकी दुखती नस होती है जो दबा सकता है जो दबती हुई नस होती है वो पकड़ लेता है उनको पता है कि पाकिस्तानी पैसे के लालची हैं मुंह पर पैसा फेंको उल्टे सीधे काम कराओ इराकी पैसे नहीं लेंगे बम गिराओ वियतनाम में जाके लड़ लिए वहां से पिट लिए अफगानिस्तान में लड़ लिए वहां से पेट लिए ये अपने से छोटे मुल्क को अटैक करते हैं और अब ये कह रहे हैं कि हम भारत का साथ देते हैं चीन के खिलाफ तुम्हें हिम्मत है चीन से लड़ने की हम तो लड़े हैं उन्नीस में लड़े हैं नाइनटीन में लड़े हैं गलवान में लड़े हैं आप कहां लड़े हो चाइना से मैं अमेरिकन से पूछ रहा हूं आप कहां लड़े चाइना से आप कहां लड़े रशिया से रशिया तो आपका बहुत जानी दुश्मन है और सबसे बड़ा दुश्मन आपका रशिया है पिचहत्तर साल का इतिहास सतहत्तर साल का इतिहास ये बताता है कि रूस से बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है रूस से लड़े आप बे ऑफ पिक्स में यह हो गया था और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यह हो गया था और फलाना यह हो गया था और चेक पॉइंट चार्ली में दीवार गिर गई थी और फलाना वो छोड़ दो ना झगड़ा हुआ कभी गोलियां चली नहीं चली क्योंकि आपको पता है तो मैं जो इंडियंस ये सोचते हैं ना कि अमरीका देखो अमरीका अमरीका एक ऐसा पहलवान है जो बच्चों से लड़ता है अमरीका वो पहलवान नहीं जो दूसरे पहलवान से लड़ता है और पुटिन को यह पता है पुटिन नोज दिस पुटिन को यह पता है कि ये खाली बर्तन है बजेगा जोर जोर से दे माइट हैव द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी दे माइट हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है बट ये नहीं है लड़ने के लिए ये जो चाहिए ना ये सिर्फ छोटे देश है ना घुस जाओ मार दो लोगों को इराक में अफगानिस्तान के अफगानिस्तान में एक वेडिंग पार्टी जा रही है बारात जा रही है बम मारो बारात पे मार दो सबको दूल्हा दुल्हन सबको बच्चे बच्चे बुजुर्ग सबको मार ये बहादुरी है तो भाई आप ये मानते हैं कि जो यू you नो know, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है आप माने ना माने हिस्सों को फर्क नहीं पड़ता मैं अमेरिकन से कह रहा हूं वो तो है ही हमारा हिस्सा वो तो हम संभाल लेंगे चाइना को लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपने यूक्रेन में क्या करा क्या करा आपने यूक्रेन में आपने यूक्रेनियंस को मरने दिया और वो जेलेंस की वह और फूल के गुब्बारा हो रहा है ठीक है वो फूल के गुब्बारा हो रहा है आपने उसको पैसे दिए बोला बेटा लड़ो अगर आप में इतनी हिम्मत थी और आप नहीं चाहते थे यूरोप आए तो नेटो कहां सो रहा है और नेटो का सबसे बड़ा सबसे बड़ा बब्बर शेर कौन है अमेरिका है नेटो का सबसे बड़ा बब्बर शेर क्यों नहीं भेजते अमेरिकन ट्रूप यूक्रेन में भेजो ना मरीन की दस बटालियन भेजो यूक्रेन में नहीं भेजेंगे ये ये नहीं भेजेंगे तो आई आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अमेरिकन फोर्सेस बट जो अमेरिकन की पॉलिटिक्स है आई डोंट ट्रस्ट अमेरिकन पॉलिटिशियंस आई मेट विथ वेरियस पीपल फ्रॉम द यूएस मरीन कोर वेरी प्रोफेशनल ब्रेव टॉप ऑफ द लाइन फाइटर्स अमेरिकन आर्मी टॉप ऑफ द लाइन फाइटर्स मैं जिनसे मिला हूं आई ऑल्सो मेट यूएसएफ पीपल एंड द बेस्ट यह मानना पड़ेगा बट देर पॉलिटिशियंस नॉट सो मच दे कॉन्ट बी ट्रस्टेड ये लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं ना कि जिससे अब यह छोटी सी चीज है हम भारत के साथ हैं तुम कैसे भारत अगर चाइना अटैक करेगा क्या तुम लड़ोगे भारत के साथ हमें चाहिए नहीं कि अमेरिका हम अपनी लड़ाइयां खुद लड़ सकते लेकिन तुम लड़ोगे नहीं करोगे तुम और चाइना को पता है इसलिए डेली चाइना धमकी देता है तुम्हारे देश के ऊपर से बलून उड़ाता है वो और तुम कुछ नहीं कर पाते जब सेफ एरिया में पहुंच जाता है यूएस गेट आउट आपने करा नहीं करा हिम्मत नहीं है तो यार इधर थोड़ा सा कम ज्ञान दो हमें और बिजली यार मैं ऐसे दे सकता हूं अगर छोटे छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स में करो तो पचास लॉन्च कर दिए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पचास और छोटे छोटे हैं वो ऐसे बड़े नहीं कि जैसे वो डेढ़ हजार मेगावाट वाले जो डैम्स हैं ना ना छोटे स्मॉल जो कि चार पांच दस गांव को रोशन कर दें है ना कुछ और पंद्रह बीस गांव को पच्चीस गांव इस टाइप के धीरे 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 जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो उन्होंने पचास अपने स्टेट में अनाउंस कर दिया उन पर काम शुरू करवा दिया तो प्रधानमंत्री जी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा और क्यों जरूरी है मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं तो नेशनल सिक्योरिटी के और डिफेंस के और इन सब मामलों को डिस्कस करता हूँ मैं आज ये क्यों बोल रहा हूँ कि अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू जी ने डैम्स बनवा दी इसलिए क्योंकि अरुणाचल बॉर्डर विलेज है अरुणाचल को आ, चीन जो है साउथ टिबेट कहता है पूरे अरुणाचल को क्लेम करता है और वहां पर इंडियन आर्मी की बड़ी सॉलिड डिप्लॉयमेंट है तो इससे फौजी भाइयों को भी बहुत फायदा होगा अच्छा अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान पे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर जनरल आसिम मुनीर ये गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे यानी कि भारत के साथ जो पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल है उधर गए और बोला कि पाकिस्तान आर्मी इज टू डिफेंड तो सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट ऑल ऑफ थ्रेट्स एंड ही द जस्ट कॉज ऑफ कश्मीरीज एंड सीक रेजोल्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अकॉर्डिंग टू यू एन रेजोल्यून तो ये गए भाई साहब अपने जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए और वहां पर दंदनाते हुए उन्होंने एक लेक्चर दे दिया जो कि हर आर्मी चीफ देता है जिसकी जीरो औकात नहीं है जीरो वैल्यू नहीं है जीरो बटा जीरो बटा सन्नाटा ठीक है इन्होंने यह बोला है कि भाई पाकिस्तानी फौज तैयार है किसी भी प्रकार के अगर एग्रेशन है दुश्मन की ओर से तो उसका मुंहोड़ जवाब देने के लिए ये सब लाहौरियाँ हैं लाहौरी चुरन ये सारे के सारे लाहौरी एक है जैसे हैं इन्होंने वहां पे चुरन खिला दिया अपने ट्रूप्स को ट्रूप्स भी इनके लाहौरी हैं वो भी ताली पीट रहे हैं कि देखो चीफ साहब ने क्या बात कर दी अरे बेकूफो अगर डायलॉग ही मारना है तो अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर जाओ ड्यूरेंट लाइन पर जाओ जहां पे तालिबान है हम तो तुम्हें कुछ कर ही नहीं रहे हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है साढ़े सात सौ किलोमीटर के आसपास का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तो दो ढाई साल से शांत है वहां पे तो गोली तो दूर किसी ने पत्थर भी नहीं फेंका लाइन ऑफ कंट्रोल में क्रॉस बॉर्डर जो हमारा चलता था ऐसे बा, गोलाबारी चलती थी शलिंग चलती थी गोली चलती थी वो तो दो ढाई साल से नहीं हुई है वो तो शांत है बिल्कुल वहां पर डायलॉग बाजी करना हम ये कर देंगे हम ये कर देंगे फलाना कर देंगे अरे भाई जहां से खतरा है रोज तुम्हारे गाजर मूली की तरह तुम्हारे बंदे काटे जा रहे हैं पिछले तीन महीने में मैं मैंने कल ही कवर करा था कि एक सौ बीस सवा सौ इनके पुलिस वाले मारती है खाबिर रहे हैं सरहद पार से तो आके मार रहे हैं तहरीकि तालिबान पाकिस्तान वाले मारते हैं अफगानिस्तान चले जाते हैं ड्यूरेंट लाइन पे तुमने फेंसिंग करी है फेंसिंग लाइन को तालिबान ने बोला फेंसिंग लाइन कुछ नहीं है ये तो चुंगम है चबा के थूक देते हैं वो लोग तो भाई तुम तुम गलत जगह डायलॉग मार रहे हो तुम्हें इंडिया से कोई थ्रेट नहीं है तुम्हें थ्रेट जहां से है वहां पर जाकर डायलॉग मारो ना ड्यूरेंट लाइन में कि तालिबान देख लूंगा तुझे जाके बोलो तालिबान को देख लूंगा तुझे फिर वो बताएंगे देख लेगा हम तो कुछ कर ही नहीं रहे चुपचाप बैठे हुए हमें अपनी इकोनॉमी देखनी है हमने अपने लोग देखने हैं फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमें उसको थर्ड लार्जेस्ट बनाना है ये हमारा एम है पूरा देश उसमें लगा हुआ है ये जिहाद ऐसे कर देंगे और फिर लाल किले पर और ताजमहल हम लोग ये सब बातें नहीं करते हल्की बातें हैं ये छोटी बातें हैं इसी कैटेगरी की बातें हैं ये तो हम लोग करते नहीं इन बातों को हम लोग फोकसडे इकोनॉमी पे हम लोग एजुकेशन पे हम लोग हेल्थ केयर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन चीज़ों पर जिहाद पेद आप लोग लड़ो फालतू की चूरन है जिहाद का ना ये किसी और को खिलाना अच्छा